मित्रों, वीडियो देखने से पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया का YouTube चैनल। आप हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि किसी भी तरह की वीडियो डाली जाए तो वो आप तक पहुंचे। मित्रों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और उसका नाम है आईएएस बनने का आसान तरीका। जी हाँ, सिविल सेवा परीक्षा देकर आप आईएएस बनते हैं, इसके लिए कौन कौन से ऐसे उपाय किए जाएं कि ये परीक्षा एक बोझ न लगे और इस परीक्षा में आप अधिक से अधिक नंबर लेकर उत्तीर्ण हो सके। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सेवा सबसे बड़ी चीज है। सेवा के कई रूप हैं। भारत देश में आजादी के बाद सिविल सेवा को प्राथमिकता दी गई और सिविल सेवा के तहत लोग सबसे बड़े पदों पर जाकर जनता की सेवा करते हैं, जनमानस की भावनाओं आकांक्षाओं के अनुरूप काम करते हैं। ये एक ऐसी परीक्षा है जहां आप मात्र स्नातक किए, ग्रेजुएट करने के बाद आप भारत की सबसे बड़े पद पर जा सकते हैं। यानी सिविल सेवा की सबसे बड़ी पद पर आप मात्र ग्रेजुएशन करके जा सकते हैं। यानी आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल या इस तरह की कोई डिग्री नहीं चाहिए, आप एक सिंपल ग्रेजुएट होकर भी आप एक सिविल सेवा अधिकारी बन सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, हमारे ईश्वर के रूप में कई लोगों की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा हनुमान जी की जाती है और वो एक सेवक थे। तो आप समझ सकते हैं कि सेवक की कितनी बड़ी अहमियत है। यानी रामचंद्र जी से मिलवाने के लिए हनुमान जी के पास जाना पड़ता है। तो किसी भी तरह का कोई भी कार्य करने के लिए, करवाने के लिए आपको सिविल सेवक के पास जाना होगा और ये एक ऐसा पद है जिससे आप दुनिया की सारी चीजें जान सकते हैं, समझ सकते हैं और हमेशा इसके लिए काम कर सकते हैं। पहली बात ये आप याद रखिए, राजनीतिज्ञ अगले चुनाव, अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है और सिविल सेवक हमेशा अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है। यानी जो राजनीतिक है वो अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है और सिविल सेवक अगले जनरेशन के बारे में सोचता है। हम किस तरह से तैयारी करें, हम कैसा बने, किस तरह की तैयारी करें कि जिसे मुझे नियुक्त करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए रखा गया है वो मुझे सिलेक्ट करें। वो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे वो मुझे सिलेक्ट करें। भारत देश में शुरू से ही सिविल सेवा को प्राथमिकता दी गई है। जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ी, लोगों में जागरूकता हुई, गांव गांव तक शिक्षा पहुंची, त्यों त्यों सिविल सेवा की परीक्षा में भी बदलाव किया गया। 69 तक ये परीक्षा अंग्रेजी में होती थी, 69 के बाद भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल किया गया और आज भाषा कोई बैरियर नहीं है, किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। आप एक गांव में भी रह के, एक छोटी सी शहर में भी रह के इस सेवा की तैयारी कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया या मीडिया के इतने साधन हैं, इतना ज्यादा मटेरियल आपके इर्द गिर्द है जिससे आप सहारा लेकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हम लगातार आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे कि कैसे, कौन से विषय, कौन सा ऐसा पुस्तक किताब पढ़ के और हम किस स्तर से इसकी तैयारी करें ताकि हम इस एग्जाम को निकाल सकें। दोस्तों, अगर आप 2019 की पीटी, 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में बैठना चाहते हैं, जो हमारे इस पूरे श्रृंखला का, पूरे एपिसोड चलाने का मकसद भी है कि आप 2019 की पीटी में बैठने जा रहे हैं तो सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें और कितना करें,
और उसमें कितना पैनापन लाएं, कितना नवाचार लाएं कि हम इस तैयारी को कर सकें, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मैं बार बार इसको दोहराऊंगा और आपको बताऊंगा, ये परीक्षा सबसे ज्यादा आपसे मांग करती है कि आप अपनी लिखनी को कितना सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, यानी आप कितना अच्छा बेहतर कॉपी पर लिख डालते हैं, आपकी जो शब्द हैं, आपके जो वाक्य हैं, आपका जो पैराग्राफ है वो कितना सटीक है और कैसे है, ये इस परीक्षा का सबसे मूल मंत्र है। और याद रखिएगा, पीटी की परीक्षा और मेंस मुख परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन इन तीनों की तैयारी एक साथ होती है। इन तीनों यानी जो कुछ भी आज आप पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आप सोचिएगा, समझिएगा कि ये मुझसे कोई नरेट कराएगा, ये मुझसे कोई पूछेगा, उसे मुझे बताना है, उसका क्लियर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियरिटी के साथ वो बैठना चाहिए। मैं पहले ही आपसे बोला, ये परीक्षा कुछ आपसे नहीं मांगती है, केवल ये मानती है कि आप कितना स्पष्ट हैं और कॉपी पर कितनी अच्छी तरह से आप चीजों को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, मैं इसके लिए कुछ बुक्स, बेसिक बुक्स आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, लेकिन एक बात याद रखिए, शब्द वर्ड ब्रह्म है, मतलब वर्ड में ही सब कुछ समाया हुआ है, उस शब्द में ही सब कुछ है। बिना शब्द को जाने अगर आप आगे बढ़िएगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा घातक होगा। आप हिंदी के माध्यम से हैं या आप अंग्रेजी माध्यम से हैं, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि शब्द को स्किप नहीं करना है, उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। शब्द को बिना समझे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये परीक्षा आपके लिए भारी हो जाएगा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कितना देर आपको पढ़ना है, कौन सी बेसिक बुक्स आपको पहले रखनी है, कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है और कितना देर तक आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ते तो सब कोई है, 24 घंटा सब किसी के लिए है, लेकिन आप चीजों को जितना याद रखेंगे वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और इसी आशा के साथ कि आईएएस बनने का आसान तरीका श्रीनारायणमीडिया.com की तरफ से आपके लिए, हमारे ग्रामीण छोटे शहरों में रहने वाले जो छात्र हैं उनके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, और खासकर हिंदी माध्यम से इस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये रामबाण औषधि होगी। नारद मीडिया की इस पर सारी तरीका से बताया जाएगा आपका, आप इस पर व्हाट्सएप नंबर, आप अपना कमेंट्स, आप अपना सुझाव किसी भी तरह का कभी भी आप डाल के पूछ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं, तो और हम विस्तार से आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। लेकिन आप श्रीनारायणमीडिया.com को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना न भूलिए, ताकि जो ही कोई नई वीडियो लोड हो वो आप तक पहुंचे और आप उससे लाभ उठाइए। धन्यवाद।